और मूल्यांकन की कार्यवाही कल हो जाए, जी सर, है ना। तो कल सुबह से ही आप रखिए इसमें और पूरा कार्यवाही करके करा लेंगे प्रतिवेदन प्रस्तुत। हमने एक उत्खनन खदान है वहाँ पर हमने निरीक्षण किया, उनके रिकॉर्ड्स को देखा गया, साथ ही पूरा स्थल पे हमने पटवारी दल और पुलिस दल के साथ पूरा निरीक्षण किया और उसमें हमने पाया है कि जो सीमा चिन्ह है स्वीकृत खनन पट्टे के वो नहीं है काफ़ी क्षेत्र में, और अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन भी प्रथम दृष्टया पाया गया है। कल पटवारी, आरआई और तहसीलदार द्वारा उसका सीमांकन किया जाएगा जिसमें वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। लगभग कितने लाख का उत्खनन किया हुआ इन्होंने अवैध तरीके से? ये मूल्यांकन के पश्चात ही पता चलेगा, तो सीमांकन के बाद कल खनिज विभाग की टीम भी यहीं पर रहेगी और वो जितना अवैध उत्खनन हुआ है उसका मूल्यांकन करके हम करेंगे। फाइलिन प्रकरणों के तहत जो मेरे कोर्ट में लंबित थे उसमें हमने 1,70,00,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है और आगे इन प्रकरणों में जितना मूल्यांकन होगा उसके अनुसार पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। सुबह हमने चार गांवों का आकस्मिक भ्रमण किया, हमारे द्वारा सलैया, झमटुली, देवगांव और गंज और पिपरिया, इन सभी गांवों का भ्रमण किया गया और इसमें काफ़ी संख्या में हमने अवैध रेत का भंडारण निजी एवं शासकीय भूमि पर पाया है। इसका पटवारी और खनिज दल द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत किया जाएगा जिसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमें मौके पर कोई मशीनें नहीं मिली हैं उत्खनन करते हुए, हो सकता है कि पूर्व में सूचना रही हो क्योंकि पिछले कई दिनों से हम अभियान चला रहे हैं अवैध उत्खनन के विरुद्ध, तो ये संभव है कि उन्होंने मशीनें और व्हीकल्स वहाँ से हटा लिया हैं।